28 मई 2022 नवग्रह शिव महापुराण कथा जो हैदराबाद में चल रही है, इसके चौथे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफी अच्छा उपाय बताया है जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं। गुरुजी ने कहा प्रदोष का व्रत करो, काफी अच्छी बात है, पर प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करो। प्रदोष के दिन इस ब्रह्म कमल वाला उपाय मतलब 7 बेलपत्र को शिवलिंग में अर्पित जरूर करना है। ब्रह्म कमल से मतलब डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पेड़ से ही बेलपत्ती तोड़ के लाना है, आप शिव मंदिर में शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर धोकर वापस उसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्म कमल को हाथ में लेकर बाबा से विनय कीजिए, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, बाबा मेरा ये कार्य जो भी कार्य हो आपका वह बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर आपको वह ब्रह्म कमल जो भी आपके हाथ में है समर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं हमने समर्पित कर दिया है। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर भी प्रदान कर देते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय करना है।